वहीं आपको बता दें कि बीकानेर से एक बड़ी खबर है, बीडी कल्ला के समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस आलाकमान से कल्ला को टिकट देने की मांग की जा रही है। बीडी कल्ला के सैकड़ों समर्थक बीकानेर शहर में रैली निकाल रहे हैं, कल पर्चा भी भरेंगे। बीडी कल्ला निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो आपको बता दें कि बीकानेर से उन्हें टिकट देने की मांग की जा रही है और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कांग्रेस आलाकमान से कि उन्हें टिकट दिया जाए। और तस्वीर आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। नेता बीडी कल्ला की बीकानेर पश्चिम से टिकट कटने के बाद उनके समर्थक आक्रोशित हैं। कल रात से ही उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं बीकानेर के दागा चौक की इन तंग गलियों में बीडी कल्ला के समर्थक न केवल यहां पर उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व से ये मांग की जा रही है कि उनको वापस टिकट में फेरबदल करते हुए बीडी कल्ला को ये टिकट दी जाए। आप देख सकते हैं कि बीडी कल्ला के भाई को किस तरह से बैठाकर यहां पर ले जाया गया है, जनार्दन कल्ला को उनके समर्थक जो हैं वो बैठाकर ले जा रहे हैं आगे। सहयोगी धीरज आपको जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो कारवां है बीडी कल्ला के समर्थकों का वो इस वक्त शहर में घूम रहा है और लगातार शहर के अंदरूनी हिस्सों में ये लोग बीडी कल्ला के समर्थन में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और AICC को इनके समर्थकों के द्वारा लगातार मेल करके ये निवेदन किया जा रहा है कि बीकानेर पश्चिम की सीट को वापस बदला जाए। कुल मिलाकर बीडी कल्ला की टिकट कटने के बाद में शहर की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और सबसे बड़ा उलटफेर जो बीकानेर पश्चिम में हुआ है आने वाले वक्त में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक भी हो सकता है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, News 18 बीकानेर। तो विरोध किस कदर है वो साफ तौर पे इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। यशपाल गहलोत जिन्हें टिकट दिया है कांग्रेस ने बीकानेर पश्चिम से और बीडी कल्ला को टिकट देने की मांग की जा रही है। रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से ये तस्वीरें आपने पहुंचाई कि विरोध के जो स्वर हैं वो मुखर हैं, साफ तौर पे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि अगर बीडी कल्ला का टिकट कटा है तो कांग्रेस के लिए यहां भारी पड़ सकता है। वाकई में अगर बीडी कल्ला का टिकट कटा है और अगर वो निर्दलीय मैदान में उतरते हैं फिर इससे कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान यहां हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से अभिषेक, जिस तरह से हमारे दर्शकों ने ये दृश्य बीकानेर से देखे कि किस तरह से कल्ला के जो समर्थक हैं वो कहीं कहीं कल देर रात से ही आक्रोशित हैं। जैसे ही बीडी कल्ला की टिकट कटने का समाचार उन्हें मिला वो सड़कों पर उतर चुके थे और रात से ही वो यहां पर टायर फूंक कर और नारेबाजी करके विरोध जता रहे हैं। कहीं कहीं ये कह रहे हैं कि बीडी कल्ला को पुनः टिकट दी जाए, टिकट में फेरबदल किया जाए। बीडी कल्ला को वापस टिकट मांगने की मांग इसलिए भी अहम हो जाती है कि एक कद्दावर कांग्रेस नेता रहे हैं, बीकानेर से 5 बार वो विधायक रहे हैं, 8 बार चुनाव जीते हैं और एकमात्र वो ऐसे नेता है जो नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ PCC के अध्यक्ष भी एक वक्त में रहे हैं। इस वक्त उनके जो परिजन हैं वो हमारे साथ हैं, अनिल कल्ला। अनिल जी, क्या घोषणा की है आप लोगों ने, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? नहीं, कल कल्ला साहब जो हैं 2 पर्चे भरेंगे, एक कांग्रेस की तरफ से और एक निर्दलीय। अभी सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में 10 जनपद में सोनिया जी के यहाँ मीटिंग चल रही है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए हो सकता है कल रात से ही आपके कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, टायर जला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये दबाव की राजनीति कहीं कांग्रेस आलाकमान पर बनाई जा रही है? कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो आलाकमान तक ये अपना संदेश प्रेषित करना चाह रहे हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान जो है इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। टिकट नहीं बदली जाती है तो हाँ। क्या आपकी बीडी कल्ला जी से बात हुई, आपके समर्थकों से बातचीत हुई, क्या वो टिकट नहीं बदली जाती है, कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय बीडी कल्ला जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेता निर्दलीय ताल ठोकेंगे? कल्ला साहब से डायरेक्ट बात नहीं हुई है और जहां तक कल्ला जी को जानते हैं वो शायद पार्टी लाइन से बाहर नहीं होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये जोश है कि वो हर हाल में फॉर्म भरें। अब देखते हैं पुनर्विचार के बाद थोड़े समय का इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। अभी आप लोग जो हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और शहर में रैलियां निकाल रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या कांग्रेस आलाकमान तक आप लोग अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं और साथ ही यहाँ से AICC को मेल भी करवाई जा रही है? बिल्कुल, राहुल जी के ट्विटर अकाउंट पर और मेल पर जो है उनको पुनर्विचार के लिए जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप एक बार बीकानेर पश्चिम के लिए जो है
पुनर्विचार करें। देखिए देखिए अभिषेक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा हुजूम, देखिए आप समर्थकों का किस तरह से वो इस शहर में घूमते हुए यहाँ पर बीडी कल्ला के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इस जो टिकट कटी है उस टिकट कटने का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर टायर फूके गए हैं, यहाँ पर समर्थक जो है कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। और न केवल ये, यहाँ पर पूरे शहर में जिस तरह से ये लोग यहाँ पर टिकट काटने का विरोध कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में बिल्कुल रवि, तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो बीडी कल्ला के समर्थक हैं वो नाराज हैं टिकट कटने की वजह से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो कांग्रेस की टिकट तो आई है और जिस तरीके से विरोध शुरू हुए हैं उसके बाद कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और बीडी कल्ला के ये सभी समर्थक हैं, क्योंकि बीकानेर पश्चिम से उनका टिकट काट करके यशपाल गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है और ऐसे में बीडी कल्ला के जो समर्थक हैं वो नाराज हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने कह दिया है कि कल वो दो नामांकन भरेंगे, एक निर्दलीय के तौर पर और एक कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। देखना अहम होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की लिस्ट आई है उसके बाद आगे आगे चीजें क्या कुछ सामने आती हैं, क्या क्या तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। तो लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की लिस्ट तो आई लेकिन विरोध भी सामने लेकर आई। विरोधियों ने लिस्ट आने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तस्वीर राजधानी जयपुर की है, कोटा की है, बीकानेर की है और राजधानी दिल्ली की भी है। तो बीकानेर की जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पे हंगामा किया है और टिकट की मांग कर रहे हैं कि बीडी कल्ला को टिकट दिया जाए। इसके अलावा जयपुर में कई जगहों पर हंगामा हुआ क्योंकि जो समर्थक हैं वो नाराज हैं क्योंकि उनके चहेतों को टिकट नहीं मिला।